क्वेश्चन है इंडिया 1 2023 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन डेट एम ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2n, वेयर एन इज ए फिक्स पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एम थीटा। अब आप देखो ये वेरिएबल है, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ सीधे अप्लाई करो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। तो इन दोनों पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये पूरे को अगर हम वाई सपोज कर लें तो वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर प्रोडक्ट वन हो जाएगा, पावर वन, तो ये हो गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव एन दे रखा है तो टू एन। तो आप एम थीटा ग्रेटर एम ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू टू एन प्लस टू एन, तो एम ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एन। तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी लिस्ट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 53 का डी होगा। सिमिलरली अंडर व्हाट कंडीशन डज एम अटेन द लिस्ट वैल्यू, कि कब ये 4n के बराबर, मतलब ये 2n कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तभी ये 2n के बराबर हो। आप यहां से क्या कर लो, इसको cot टू द 4 थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cot स्क्वायर, तो यहां से आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n, n हमेशा पॉजिटिव है इसलिए एन प्लस लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 54 का, ऑप्शन नंबर बी। तो इस कदर इसे सॉल्व करना था।